सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई है ताकि कच्चे मकानों और झोपड़ी में रहने वाले सभी गरीब परिवारों का भी पक्का आवास बनवाया जाना था, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के ब्लॉक पखर टोड़ापुरवा गांव निवासी होली सहित 47 परिवारों के पास पक्का आवास न होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं घनश्याम और यह है मेरा समुदाय। समस्या क्या है आपकी? समस्या है कि आवास मुहैया जो प्रधानमंत्री किए हैं, तो साहब यहाँ आवास जो है 50 घरों में 3 आदमी व्यक्ति ने आवास पाया है और 47 आदमी ने आवास नहीं पाया है। हम ग्राम प्रधानमंत्री का जाते हैं तो कहते हैं तो कोई समस्या हमारी सबकी सुनी नहीं जाती है। गरीब लोगों की जंगली जानवर रात में घुस आए झोपड़ी में उठा ले जाए, शेर भेड़ा लुखड़ी कोई, तो यहाँ कोई पूछा हार नहीं है। और 5,000 रुपया ले लेकिन 1 साल बाद हमका रुपया का रुपया वापस कर दिन, तुम्हारा नाम रिजेक्ट हो गया है और आवास नहीं पाओगे, तुम्हारा लड़का मकान बनवाई से उसी में रहो। मैं मंत्री जी से कहे थे, मंत्री जी कहे लेकिन जब प्रधान रिजेक्ट कर दिया तो नहीं हो पाएगा। रहने में बड़ी दुर्घटना होती है, रजाई गद्दा जो खटिया बटिया है सब भीग जाती है सब खटिया, और परेशानी हो बारिश होती है तो कहाँ बैठे। हम चाहते हैं सर आवास पा जाए तो अच्छी बात है, मेरा आवास सूची में नाम भी है सर। और 20,000 मांगते थे तो हम 20,000 दे नहीं, इसीलिए रिजेक्ट कह दिए। भैया हमारे घर ना आई है, भैया आवास ना आई है हमारे, हम पर घर रही रही थे पहुड़ी थे भाई, जब वर्षा लगता 20,000 रुपया कर्जा काट काट देने तो सूद ब्याज लगाए कहे हम देने ना पड़े। राशन झोपड़ी मड़ई में रही थे और चार चहार का 2 दफा चोरी हो गए है और तिनका ताक हमारे बटोलिन जात है, 2-3 दफा आग लाग गया है बरी गया तो कोई सुनवार हमारा सब कहना है झोपड़ी में रही था। और हम गरीब माँ नहीं है ना, वो का कहते हैं लड़का बच्चन क्या गरीब मंदगी में हम आगे नहीं बढ़ पाए थे, नहीं बना पाए थे झोपड़ी, तो कोई हमारे सुनवारो नहीं है, जिसे देखो तो कोई आवा था प्रधान बना था तो चाह जाता कहो लेकिन हमारे सबके सुनवाई ना। मैं घनश्याम, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश से, इंडियन हट के लिए।